हेलो गाइस, माय नेम इज जेड एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हमारे पास जो वॉच है, इसका मॉडल नंबर है U8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। तो ये वॉच काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की स्मार्ट वॉच है और इसके साथ हमें एप्पल लोगो भी इस वॉच के अंदर देखने को मिलता है। काफ़ी स्लीक सा इसका बॉक्स है। अगर हम बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें 49mm की ब्रांडिंग, जैसे कि ओरिजिनल में सीरियल नंबर वगैरह होता है, उसी तरह ही दी गई है। और जो ये इस वॉच में, जैसे आपको बताया, एप्पल लोगो है और ये 49mm इसका साइज़ है, यही इस वॉच की जो है वो स्पेशलिटी है। तो बॉक्स ओपन करते ही साथ ही सबसे ऊपर हमें जो मिलता है वो हमारा पेपर मैनुअल देखने को मिल जाता है। एंड इस वॉच की जो एप्लीकेशन है उसका नाम है प्रोफिट। इसको हम साइड पर कर देते हैं। नीचे अगर हम बॉक्स की बात करें तो हमें हमारे जो स्ट्रैप्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, हमारी वॉच देखने को मिल जाती है एंड एक मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिल जाता है। अगर हमने अपनी वॉच को निकाल लें यहाँ से, तो इस वॉच में जो ऊपर हमें स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। एंड ये जो है मैट में स्क्रीन प्रोटेक्टर हमें इसमें लगा हुआ देखने को मिल जाता है, तो इसको भी हम यहाँ पे साइड पे कर देते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारी वॉच। तो इस वॉच के अंदर एप्पल लोगो है का कोड जो है वो वर्किंग है फिलहाल। तो यहाँ पे जो है हमें ये 8 मेंशन देखने को मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसको क्या कहते हैं एप्पल लोगो का कोड है वो डायल करेंगे तो आपको जो है टर्न ऑन या ऑफ होते हुए जो है वो एप्पल लोगो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉच फेसेस हमें देखने को मिल जाते हैं, जो इसमें जो कलर्स चेंज हैं वो भी होते हैं। तो टच की जो क्वालिटी है वो फिलहाल तो काफ़ी अच्छी है, मतलब लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा। एंड कि आप इसके तमाम वॉच फेसेस देख रहे हैं, एप्लीकेशन में जाके हम और भी जो वॉच फेसेस हैं उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो हमारे पास मेन्यू स्टाइल आप देख सकते हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेन्यू स्टाइल भी देखने को मिल जाते हैं। तकरीबन 9 जो है वो हमारे पास मेन्यू स्टाइल है, जिनको आगे जाके हम बारी बारी करके चेक भी कर लेंगे। सेट और हम अपने अबाउट में चले जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच 8 अल्ट्रा हमें देखने को मिल जाता है। सीरियल नंबर वगैरह भी है, लेकिन एप्पल की वेबसाइट पर ये मैंने चेक नहीं किया कि वेरीफाई करता है या नहीं, तो वो आगे जाके हम देख लेंगे। लैंग्वेजेस में चले जाएँ तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का भी हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ ही नीचे हमें अब ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, हमें जो है 5 लेवल तक ब्राइटनेस इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड डेट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, टाइम भी सेट कर सकते हैं। अबाउट मैंने आपको पहले ही जाके दिखा दिया, तो सेटिंग्स में थे बस इतने ही इसके फीचर्स हैं। एंड उसके बाद अगर हम इसके मेन डायल में चले जाएँ तो जो इसका क्राउन है वो थोड़ा सा, मतलब इतना ज़्यादा कोई जूम इन जूम आउट वाला क्राउन नहीं है, मतलब क्राउन की क्वालिटी इतनी कोई खास अच्छी नहीं है। एंड उसी के साथ ही बाकी जो सारे फीचर्स हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। जो इसका इंटरफेस है वॉच का वो मुझे लैगी बिल्कुल भी नहीं लगा है, वॉच का जो इंटरफेस है मतलब वो ज़रा अच्छा है, सही है। एंड उसी के साथ ही अगर हम फीचर्स की बात कर लें तो हमें यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर हमें बास्केटबॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड उसी के साथ ही हमें यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, हम अपनी वॉच को रीसेट कर सकते हैं। फेसबुक का ऑप्शन है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का, साइकिलिंग मैसेजेस, और ये हमें रनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ ही ब्राइटनेस कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और जितने भी स्पोर्ट्स मोड है वो एक सेक्शन में नहीं डाले गए, सबको बाहर निकाल दिया गया ताकि जो मेन्यू है इसको बल्कि बनाया जा सके। ये हमें क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, अलार्म क्लॉक का, उसी के साथ हर्ट रेट, ट्विटर वगैरह और सारे जो भी बेसिक फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ से आप जो रिमोट शटर है उसका भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो वॉच में कोई ज़्यादा ऐसा कोई स्पेशल फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलते। तो उसके बाद अगर हम इसके एप्पल लोगो की बात कर लें तो अगर हम इस वॉच के एप्पल लोगो कोड की बात करें तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 3849 and 418201, ये इसका एप्पल लोगो कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें एप्पल लोगो के लिए। और अगर आपने रिमूव करना हो तो यही कोड यूज़ करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसका सीरियल नंबर है वो भी हम एप्पल की वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो इसका सीरियल नंबर हमें बैक पे और वॉच के अंदर मेंशन है वो दोनों सेम है, और एप्पल की वेबसाइट पे जाके जब हम उसको चेकआउट करते हैं तो वो हमें वहाँ पे वेरीफाइड दिखाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, एप्पल लोगो भी है एंड आप इसको वेबसाइट पर जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो वॉच फेसेस है इसमें मुझे कस्टम वॉच फेस ऐड करने का ऑप्शन मिला, और वॉच फेस की जो क्वांटिटी है वो भी कम है एप्लीकेशन के अंदर, वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं न्यू और काफ़ी अच्छे भी वॉच फेसेस इसमें हैं। तकरीबन 9-10 इसमें वॉच फेस हमें जाते हैं। एंड उसी के साथ ही एप्लीकेशन के अंदर कुछ चंद से वॉच फेसेस हैं, एंड ये आप देख सकते हैं ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस टाइप का इसका, जैसे ही आप इसको थोड़ी देर आप इसको मतलब 5-7 सेकंड बाद ये इस वाले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे खुद ही शिफ्ट हो जाता है। एंड मुझे ये कहीं से टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिला। एंड जो स्क्रीन की स्क्रीन टाइम है उसको भी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन नहीं मिला है, खुद ही ऑटोमेटिक जो है यही है इसका बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड टाइम है। इसके अलावा हम इसको सेट नहीं कर सकते, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं लगी। हमें कम अज़ कम भी इसमें स्क्रीन टाइम सेट करने का ऑप्शन मिलना चाहिए था कि कितने सेकंड के लिए हम स्क्रीन टाइम सेट करना चाहते हैं। एंड ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप देख सकते हैं, ये इसी टाइप का हमें एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड उसके बाद
मुझे इस वॉच के अंदर जो स्क्रीन बर्निंग इश्यूज हैं वो भी देखने को मिले हैं, तो आप जब भी नीचे वाली साइड से यहाँ पे मुझे ना ज़रा लाइट ज़्यादा शो होती है, तो जब भी आप इसको परचेज़ करें तो आप इसको चेकआउट कर लीजिए, एक दफ़ा परचेज़ करने से पहले चेकआउट कर लीजिएगा। एंड तो बैक साइड भी आप इसकी वॉच की चेकआउट कर सकते हैं, इसके जो स्ट्रैप लॉक्स भी हमें इसमें देखने को नहीं मिलते और स्क्रूज भी सिर्फ प्रिंटेड हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा अगर हम इसके स्पीकर और माइक की क्वालिटी की बात कर लें तो वो नॉर्मल है, इतनी कोई मतलब जैसे बाकी वॉचेज में होती है उतनी है। अगर आपको आउटडोर में सुन रहे हैं तो आपको सही तरह सुनाई नहीं देगा, इंडोर में आप इसको यूज आउट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ ही अगर हम बाकी स्टेप काउंटर वगैरह बाकी जो सेंसर्स वगैरह हैं वो एज यूजल इतने कोई खास नहीं है, फेक हैं। ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं तो ये हमारा कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ ही आप इस तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर भी हमें हमारे जो बेसिक ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। सो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो हमारा जो है नोटिफिकेशन पैनल हमें मिल जाता है। एंड इस साइड पे हमारे जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह का पैनल है वो हमें देखने को मिल जाता है। एंड ये ब्लड प्रेशर भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि फेक है, कोई इसका सेंसर डिटेक्ट नहीं किया कि बैक पे कोई हाथ है या नहीं है, वो सिर्फ उसको मोनिटर करने लग गया है। यहाँ पर आप लाइट्स देख सकते हैं, फेक लाइट्स जो हैं वो चलने लग गई हैं। बाकी बैटरी टाइमिंग की बात करें, बैटरी टाइमिंग मुझे कोई इतनी खास इस वॉच की नहीं लगी, तकरीबन ये आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो आराम से प्रोवाइड कर देगी। और अगर आप इसको कनेक्ट करके यूज़ करते हैं तो 1.5-2 दिन, अगर बगैर कनेक्ट करके यूज़ करते हैं तो आपको 1-2 दिन फालतू आपको इसमें बैटरी टाइमिंग देखने को मिल जाएगी। इनकी बात कर लें तो ये हम आ गए हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। एंड एप्लीकेशन के अंदर आते ही साथ ही सबसे ऊपर आप होम इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है अपनी जितने भी असेस है, इसको सारी असेस आपने दे देनी है। तो इसको मैं असेस देता हूँ और सारी चीज़ें अलाउ करने के बाद ये जो है हमारी एप्लीकेशन जो है इसको स्कैन करने लग जाएगी। एंड जैसे ही ये स्कैन कर लेती है हमने ब्लूटूथ को भी ऑन कर लेना है, लोकेशन को भी ऑन टर्न ऑन कर लेना है। एंड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ देर स्कैन के बाद यहाँ पे हमें एप्पल वॉच लिखा हुआ मिल गया, तो हमने इस पर क्लिक कर देंगे। एंड जैसे ही हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसके बाद ये जो हमारी वॉच है वो हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गई है एंड सिंक होने लग गई है। तो सिंक होने के बाद जितना भी टाइम डेट वगैरह वो सब सेट हो जाएगा, वो हम एप्लीकेशन से भी सेट कर सकते हैं वॉच से भी सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे आके अपनी सेटिंग्स के अंदर आके हम यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी स्टेटस कितने, हम फाइंड बैंड कर सकते हैं, इन्फो में जाके अपनी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स वगैरह वो सारी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, सेल्फी वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं अपनी। एंड उसके बाद सेट रिमाइंडर और अलार्म क्लॉक सेट कर सकते हैं, रेस टू वेक का ऑप्शन भी हम यहाँ से ही वॉच से टर्न ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें ऐप नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, तमाम जितने भी बेसिक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप वगैरह उन सब का आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। एंड उसी के साथ ही नीचे हम वेदर को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड सो इसके बाद अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे हमें डायल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, डायल सेटिंग में जाके हम यहाँ पे जितने वॉच फेसेस हमें कुछ मिल जाते हैं जो हम सेट कर सकते हैं। एंड उसी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टैक्ट्स का, कॉन्टैक्ट हम सिंक कर सकते हैं। अदर में जाके हमें जो है वाइब्रेशन की सेटिंग मिल जाती है, वाइब्रेशन को टर्न ऑन ऑफ या ऑन कर सकते हैं एज़ पर आवर नीड। एंड उसी के साथ ही हम OTA अपग्रेड्स वगैरह हैं जो फिल्मवेयर अपग्रेड्स हैं वो भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, वॉच को रीसेट कर सकते हैं, अनबाइंड कर सकते हैं। एंड अबाउट अस में जाके वही हमारी जो वॉच की इन्फॉर्मेशन है, वर्जन वगैरह है और QR कोड है वो हमें देखने को मिल जाता है। बस इतनी सी डिटेल्स हैं जो हमें वॉच के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो यही थी इस वॉच का कंप्लीट रिव्यू, उम्मीद है कि जो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।